भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी किसी को आदेश नहीं आता था दीक्षा देने का। तो प्रभुपाद ने कैसे दीक्षा दे दी? प्रभुपाद तो अपराधी हो गए, प्रभुपाद ही डिबेट हो चुके हैं। अगर वो ऋत्विक फिलॉसफी लाएंगे तो प्रभुपाद ही बाहर चौक गए उनके फिलॉसफी से, इस्कॉन के। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी प्रभुपाद को नहीं बोला, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि तुम दीक्षा देना शुरू करो। ये क्वेश्चन उठा देते हैं ना लोग कि प्रभुपाद को किसने गुरु बनाया, तो ये वीडियो आपको क्लिप दे रहे हैं जिसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे गुरु बनाया। बस ये सुन लीजिए और इसको दिमाग से हटा दीजिएगा। ये बहुत बड़ा अपराध है जो आप डायरेक्टली प्रभुपाद के कृपा करके कुछ गलत चीज को सिद्ध करने के लिए आप और गलतियां मत करिए। इन गलतियों का जवाब देना पड़ेगा, शरीर त्यागते समय देना पड़ेगा। ये तो गुरु अपराध हो गया। कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए आप कोई भी लॉजिक लेके आते हैं। प्रभुपाद जी तो घसीट दिया कि आपके उनके गुरु महाराज ने नहीं कहा था उनको गुरु बनने के लिए। तो ये क्लिप सुनिएगा, आपके सारे भ्रम मिट जाएंगे। When my Guru Maharaj ordered me, this is the Guru Parampara. It's time I can't understand, don't go very speedily. A Guru can become Guru when he is ordered by his Guru, that's all. Otherwise, nobody can become Guru. A Prabhupada ne agar kaha, yes, I have been authorized by my Guru Maharaj. Finished, there is no discussion on this and never please bring up this point, otherwise, मैं क्या बोलूं? जो मैंने आपको बताया था ना कि भागवत के अंदर आता है, तो भागवत के 44वें स्कंद के 8वें अध्याय के 54वें श्लोक में, कैंटो 4 चैप्टर 8 श्लोक 54 वर्स, वन शुड टेक इनिशिएशन फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कमिंग इन द डिसिप्लिक सक्सेशन हु इज ऑथराइज्ड बाय हिज प्रीडिसेसर स्पिरिचुअल मास्टर। दिस इज कॉल्ड दीक्षा विधान। मैं बताओ मैं क्या करूं? मैं तो वही रिपीट कर रहा हूं जो प्रभुपाद जी, हम तो जीरोक्स मशीन है साहब। आप हो सकते हो राइटर हो गए, नई नई चीजें लिखते हो गए, परंतु हमें तो, अब श्रीधर स्वामी हमारे बीच में नहीं है जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा था जीरोक्स क्या करो प्रभुपाद को, क्या करो जीरोक्स करो, जीरोक्स मशीन बनो। समझ में आया आपके? फिर से पढ़ रहा हूं, वन शुड टेक इनिशिएशन फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कमिंग इन द डिसिप्लिक सक्सेशन हु इज ऑथराइज्ड बाय हिज प्रीडिसेसर स्पिरिचुअल मास्टर। उसके पिछले वाला जो गुरु है दीक्षा गुरु, उनसे उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड दीक्षा विधान। तो आज इस्कॉन क्या कर रहा है, कहाँ से आपको मिली अथॉरिटी, कहाँ प्रभुपाद ने कहा था ऑटोमेटिकली दिस ऋत्विक विल बिकम गुरु, ये भी दिखा दो मुझे। दिखा दीजिए कि ये 11 जो हैं ये ऑटोमेटिकली गुरु बन जाएंगे, जो तमाल कृष्ण महाराज पिरामिड कन्फेशन के अंदर कह रहे हैं कि हमें तो नहीं ऑथराइज किया गया था कि हम गुरु बन जाएं। हैं, आपने कौन सी अथॉरिटी से कर दिया? यहाँ प्रभुपाद ने नहीं कहा शास्त्रों के द्वारा, ऑथराइज बाय द स्क्रिप्चर्स, क्या ये लिखा है? ऑथराइज बाय हिज प्रीडिसेसर स्पिरिचुअल मास्टर, वेरी क्लियर। आई डू नॉट नो व्हाई Why do you people not understand this simple instruction of Srila Prabhupada?